हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। आज हम लोग ज्योमेट्री में एंगल के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं। कोण, एंगल अर्थात कोण, एंगल का डेफिनेशन है कि व्हेन टू रेज मीट एट ए पॉइंट एंड एंगल इज फॉर्मड। जब दो किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो एक कोण का निर्माण होता है। कोई भी किरण किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो वहां पर एक कोण का निर्माण होता है। और इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले आता है एक्वीट एंगल। एक्वीट एंगल को न्यून कोण कहा जाता है। एन एंगल विच मेजर्स लेस देन 90, एक कोण जिसका माप 90 से कम हो, जो कोण 90 डिग्री से कम हो वह एक्वीट एंगल कहलाता है। जैसे 45 डिग्री का एंगल, एग्जाम्पल के तौर पर 45 डिग्री, 50 डिग्री, 89 डिग्री, 2 डिग्री, ये सब क्या है, एक्वीट एंगल। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। एन एंगल विच मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो वह ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। 90 डिग्री ज्यादा है अर्थात 91 डिग्री, 170 डिग्री, यानी 90 और 180 के बीच में। राइट एंगल समकोण, एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एक कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो वह क्या कहलाता है, राइट एंगल। और उसके बाद आता है स्टेट एंगल। एन एंगल मेजरिंग 180 इज कॉल्ड एस्टेट एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं रिजु कोण, जो 180 डिग्री के बराबर हो। ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री के बराबर हो वह स्टेट एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, एन एंगल विच इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है, जिसका माप 180 से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो वह रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और लास्ट में है कंप्लीट एंगल, एन एंगल विच इज इक्वल टू 360, पूर्ण कोण इसको कहते हैं, इसका माप 360 डिग्री के बराबर हो। अब कुछ एंगल के बारे में हम लोग उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेंगे कि अगर कंप्लीट एंगल का 360, इसका रिफ्लेक्स एंगल का 180 और 360 के बराबर हो, यानी मोर देन 180 बट लेस देन 360। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल इसके बारे में है कि 180 डिग्री के बराबर हो, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एंगल है। इसको थोड़ा सा फिगर के रूप में समझ लेंगे कि एक्वीट एंगल क्या है, यानी 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री बिल्कुल जो वर्टिकली हो, ये है 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से क्या है, कम हो, ये क्या है, 90 डिग्री से, ये क्या है, एक्वीट एंगल। 90 डिग्री से अधिक हो, यानी 90 डिग्री से थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल यार 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या है, बिल्कुल जब सीधी लाइन पर कोई कोण बनता है, दो किरण इस बिंदु पर आकर के मिल रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल, ये 180 के बराबर होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से भी ज़्यादा है,
यानी अब ये कोण ये 180 से भी अधिक है, और कंप्लीट एंगल जो बिल्कुल ये क्या है कंप्लीट एंगल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।